प्रोत्साहित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज सब क्षेत्रों में हमारे नाथ समाज के लोग अग्रणी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिससे नाथ समाज के लोग अछूते हो। आज पुलिस विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर जगह आपको चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह आपको नाथ समाज के लोग अग्रणी मिलते हैं। ये नाथ समाज वो समाज है कि जो देश के हर कोने कोने में बसी हुई है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, त्रिपुरा हो, किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप देखें तो आपको नाथ समाज के लोग मिलेंगे। आपने देखा गुर्जरों को, यादवों को, ब्राह्मणों को, ये सिर्फ एक दो राज्यों के अंदर जाकर के सीमित है। बहुत बहुत होगा तो चार राज्य, पांच राज्य, पर पूरे की पूरे 27 राज्यों के अंदर अगर कोई समाज है तो वो हमारी गौरवमय समाज नाथ योगी समाज है। हमें गर्व है। हमने भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में इस बात का आवेदन नहीं दिया था कि हे भगवान हमें नाथ समाज में जन्म दिए दो। यदि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने हमें नाथ समाज में जन्म दिया है तो नाथ समाज के प्रति हमारा ऋण है और उस ऋण को चुकाना है। उस ऋण को इस प्रकार से चुकाना है कि जो हमारे समाज के लोग शिक्षा से वंचित है, जो हमारे नाथ समाज के लोग विद्यालय नहीं जा पाते, उन सबको विद्यालय भेजने का काम हम सबको करना पड़ेगा। हमारे पड़ोस में यदि नाथ समाज का कोई ऐसा बालक कि जो प्रतिभावान है वो किन्हीं अपरिहित कारणों से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो हमारा सबका दायित्व है कि हम उसको शिक्षा दिलवाए और उसको उचित मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें, तभी हमारे नाथ समाज में जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध होगी। भाइयों बहनों,